आगे बड़े राह को बताएं, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बेगुनाही साबित होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने मुझ समेत हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात कायम किए, आज वक्त ने साबित किया कि हम बेगुनाह थे और सियासी इंतकाम का निशाना बने। इमरान खान की हुकूमत ने तरक्की के बजाय मुल्क दुश्मन इकदामात किए। इमरान खान ने मुल्क को IMF के जाल में फेंका और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। मेरी जिंदगी का मकसद अवामी खिदमत है। इमरान खान की बिछाई बारूदी सुरंगों को एक साल से साफ कर रहे हैं। चीन के साथ दोबारा मामलात को बेहतर करने के लिए दिन रात काम किया। वजीर आजम ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने वालों को कानून के मुताबिक सजा होगी। इमरान खान तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और अलकादे ट्रस्ट में पकड़े गए हैं। इमरान खान की अरबों रुपए की करप्शन पर कानून तो अपना रास्ता लेगा। हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मगर इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं। वजीर आजम की जानब से यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के साथ जुल्म और नाइंसाफी हुई।